मेधा शुरू से ही पढ़ने में होशियार और मेधावी छात्रा थी। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छा कॉलेज सिलेक्शन और फिर बहुत अच्छी जॉब। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया मेधा। अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा, अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर से बेटे की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करें? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी क्या काम है आपको? मैम मेरा नाम स्नेहा है, आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में तो। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है। अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ, कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो। अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का, मेधा इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं, वो क्या है ना लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो, कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है, स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा, माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था। एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा, लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा अब तुम अपना कुछ और देख लो, हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना। स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता। अरे मेधा फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा, एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरे ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए।
नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें। और हाँ, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मैधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था, वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। हा? कौन है वो, कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो।